ये बहुत पहले का बर्तन रखे थे, तो अभी काजल बर्तन धो रही है। बहुत गंदा हो गया किल को देखूं। यहाँ पे कितने रुपए टमाटर रखा जा? 20 रुपए किलो। कैसे कैसे इसी घर ने शरण दिया। दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद है अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू व्लॉग में। दोस्तों जैसे कि हमारे, अरे बाप रे काने में फूंक दी मान से। तो दोस्तों अभी हम लोग ना मतलब कि देखे थे कि अभी अभी, हाँ बेटा ठीक है ओके तो अभी दोस्तों जाना है कुछ सामान लाने, जिससे खाने पीने के लिए गैस गैस डलवाना होगा, और ये क्या बोलते हैं मच्छरदानी, और मतलब वही खाने पीने राशन भी लाना होगा। तो आप सब बने रहिए, चलेंगे अभी मार्केट में है ना, और देखिए क्या क्या ला रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं, है ना बेटा। और आज हमारा पहला रात है, चलो चलो मार्केट चलो नहीं। चलो चलो यहाँ का मार्केट मानसी अभी नहीं देख, मानसी जाने के डर से देखिए रो रही है, घाव हो गया बेटा जी, वाह ये घाव हो गया। ओ भाई क्या बच्चे ताला मार रहे, चले मानसी ना ए, हमारे चपाला हो देख वालो, सैंडल पहन के चली जूती अंदर है, ताला मार देने हम जूते पहन के चले। इसमें गैस डलाएगा तो खाना बनेगा, तो मानसी खाएगी। हाँ, दूध पिएगी, दूध पी ठीक, हाँ उसमें दूध बनेगा। चूल्हा बा, चूल्हा किने का पड़ेगा, चूल्हा बानो, चूल्हा बानो। हाँ बेटा, मानसी IPL देखो ही नहीं बल्कि अपनी ओपिनियन देके काफी प्राइसेस जीतो, वो भी लोटस 365.in पे। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे जैसा कि हु विल विन मैच और हु विल विन टॉस, जैसा 50+ तरह में क्वेश्चंस में अपना ओपिनियन बता के आप काफी प्राइजेस जीत सकते हैं। लोटस 365 पे जाके रजिस्टर कीजिए और पाइए 365 रुपए का बोनस। यहाँ आपको मिलता है 1-to-1 24 hours कस्टमर सपोर्ट। यहाँ खेलते हैं 10 मिलियन से ज्यादा यूजर्स। यहाँ क्रिकेट के अलावा है 200+ क्वेश्चंस, जहाँ आप अपने ओपिनियन दे सकते हैं और जीत सकते हैं अच्छे प्राइसेस। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रौतेला और सुनील शेट्टी और काजल अग्रवाल और नेहा शर्मा जैसे बड़े सेलिब्रिटी इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो देरी मत कीजिए, डायरेक्ट रजिस्टर कीजिए lotus365.in पे। मानसी अभी ना वो सब लाइट जो जल रहा है ना बिल्डिंग पे, वो देख के बहुत ज्यादा खुश है। देखिए भाग रही भाग रही भाग रही, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, आ रही हो, कैसे डरा रही, डरा दो फिर से, वाह। तो ये कह रही लाइट देख, कह रही वो देखो 3-4। तो अभी हम लोग ले लिए हैं गैस सिलेंडर और चलिए लेके भरवा के लाते हैं, और भी जो चीज़ें होगा खरीद लेंगे, है ना। कहाँ घर में रिबो चलिए थोड़ा सा झेलना पड़ता है, चलवाते हैं गैस। मानसी खुश है काजल उदास है दोस्तों और इधर ना दोस्तों चारों तरफ लाइट ही लाइट दिख रहा है, इसलिए मानसी और ज्यादा खुश हुई है, कह रही 3-4 लाइट, ओ ये देखो, है ना। नहीं आ रही थी, बोला इसको लगा ना कि गांव के जैसे मार्केट जाते तो इसको सुई दिलवा देते हैं। वाओ फूल, ये समझे कि मार्केट ले जाकर सुई दिलवाएंगे, है ना। नहीं आ रही थी तो बोले चलो झूला खिलाएंगे, तो उसी टाइम से वेट कर रहे कि मामा झूला खिलाओ, मैं झूला खिलाऊंगी, झूला खिलाई है। तो यहाँ का मार्केट का कुछ नजारा इस तरह से है, देख सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे ज़्यादातर वर्कर लोग रहते हैं, जैसे हम और आप जैसे काम करने वाले सभी लोग रहते हैं नीचे में इधर साइड, और बाकी ये तो अभी बन ही रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो यही छोटा मोटा मार्केट यहाँ पे लगता है ना। फिर मसाला ले रहे हैं यहाँ से, तेल, और मानसी को चाहिए 10 रुपये, ये लो बेटा 10 रुपये, ले लो ले लो ले लो, नहीं ले रही उसको चाहिए झूला झूलने का ना वाह बेटा, कल चलेंगे तो झूला झूल लेना ओके, कल दिन में झूलाएंगे, अभी रात है ना, देखो नाराज नहीं होते, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। तो अभी काजल सब्जी ले रही है, मानसी मेरे को झूला झूलने के लिए देखिए कैसे नाराज हो रही है। बेटा रोड पे है, हम लोग नहीं ऐसा नहीं करते, ये गंदी आदत है,
शांत रहो। हाँ काजल दर से सब्जी ले रही है, आलू प्याज वगैरह सब कुछ, आलू बैंगन और गोभी ले लो। गोभी गोभी तो बहुत बड़ा बड़ा है, छोटा नहीं है। पालक कैसे है भैया? यहाँ पे कितने रुपए टमाटर रखा जा? 20 रुपए किलो। सेम है वहाँ भी वैसे ही था। प्याज? प्याज 30 रुपए किलो। 30 रुपए वहाँ 20 रुपए। अरे नहीं नहीं हम बिहार की बात कर रहे हैं भैया। नहीं हम वो थोड़ा अंतर मिला रहे थे कि वहाँ और यहाँ में क्या क्या डिफरेंट है। बताइए 7 रुपए किलो बंगाल में है। हाँ। चलिए ठीक है। इसको धोना पड़ेगा है ना, धोकर रख लेते हैं तब तक, नीचे रखें। बाकी इसका रेगुलेटर चेंज करना पड़ेगा। चलिए चेंज करते हैं। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं लाए, बस सब्जी वब्जी लाए और ये दूध और तेल बस है ना। दोस्तों अभी यहाँ पे ना जैसे कि ये पानी वाला ये है बिस्लेरी वाला, तो ये मशीन चल रहा है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। बाकी अभी पानी ले चल रहे हैं, घर को सारा धो दिए हैं है ना। और गंदा है, और पानी लाओ। मानसी मेहनत कर रही है, देखिए दोस्तों बहुत गंदा हो गया। किल को देखूं? वाव ये बहुत पहले का बर्तन रखे थे तो। हाँ ये धो लो, वही चलो खंगा दे। हाँ तो ये कौन सा बहुत खेल रही हो बेटा है ना। हाँ ठीक है खेलो। तो अभी काजल बर्तन धो रही है, चलिए हम हेल्प कराते हैं, पानी उनी ले आते हैं। और मान से भी यहाँ रह के बहुत परेशान कर रही है काजल को। बेटा परेशान ना करो है ना। हाँ मम्मी काम कर रही है, लो चलिए पानी लेके आते हैं उधर से। बाद में धो लेना बेटा पैर, पहले बर्तन धो लेना। अभी दोस्तों पानी लेके आ गए हैं और जो यूज का है वही धो लो काजल। का सारा था तो सारा यूज का ही है। तो चलिए अभी धो लेते हैं फटाफट से बर्तन, उसके बाद से फिर घर में पानी मार के झाड़ू लगा देंगे अच्छे से, उसके बाद से कुछ बनाएंगे दिखाएंगे आपको है ना। ओके चलो ये धो के लाते हैं हम उधर से। फिर बर्तन जो है वो कंप्लीट होने वाला है, करीब 3-4 बाल्टी पानी ला के दे चुके हैं अभी तक, और बस थोड़ा सा और है तावा वगैरह। और मानसी उसी टाइम से कह रही है मुझे पैर धोना है, इधर मिट्टी लगा ले रही है, फिर कह रही है पैर धोना है, पैर धोना है, जब पानी ले आ रहा हूँ तो ना काजल। हाँ तुम बोली थी। सारा बर्तन दोस्तों धुल गया है, क्या नीचे रखी ना। चलिए यहाँ रख दिए, और ये वाला यहाँ, ये यहाँ रख देते हैं वही में। ये लो ये धो दो, तो ये रख दी। हाँ। थोड़ा सा और गिरा दो। ठीक है ये कहाँ रखे? तो यहाँ रख दे रहे हैं। बस करो बेटा पानी से नहीं खेलना, अब आप ऊपर जाओ। तो मानसी देखिए पंखे के लिए नाराज हो गई है, क्योंकि अब गैस जलेगा तो पंखा कहाँ चलेगा है ना, तो इसलिए बंद किया। दोस्तों हम लोग नीचे में खाना बना ले रहे हैं त्या। और दोस्तों फर्स्ट टाइम हम लोग बनाने वाले हैं खीर, खीर चावल और बैगन के चोखा। हाँ तो यही बनाने वाले हैं दोस्तों, और आप लोग बने रहिए हमारे साथ। मानसी कितना परेशान कर रही है, ये बेड हम लगा रहे हैं ये खिसका दे रहे इधर से। रुको रुको इसको ऐसे, ये पेन है एथी वाला पेन आनो, इसको इधर करो ना वाइट कलर, इसको छोड़ो इधर इधर हटो इधर हटो। हाँ नहीं हटोगी, बाप रे बाप। अभी दोस्तों फाइनली जा रही है काजल गैस इधर आने, और देखिए काफी दिन से पड़ा हुआ था ये, देखिए मतलब क्या ना ना अच्छे से पकड़ ले भगवान की कृपा से। हैं खोलो पूरा, पकड़ लिया। अभी दोस्तों चाय बना के थोड़ा मियाज फरेश होगा, फिर बनाएंगे खाना अच्छे से, फिर बनाएंगे। दूध
हाँ बेटा ढूंढे। हाँ एक दो एक दो तीन करी हूँ। हाँ तुम एक दो तीन करी हो बेटा, है ना? नहीं, एक दो तीन करी हूँ। तभी काजल दो दो बाल रही है। काजल और डाउट लाता है इसे ऐसे निकालो। डालो डालो दब तन चेक कर ले। क्या है ना कि जैसे कि चाय बना लिए हैं हम लोग, तो चाय पी लेंगे तो वो भी तो एक मीठा चीज होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा दोस्त ट्रेन में आप लोग देखे थे और बैग लेके दौड़े थे, तो इस वजह से खीर नहीं बना रहे हैं, चाय बना के पी लेंगे गरम गरम, तो ये मीठा चीज हो जाएगा। उसके बाद से बैंगन है उसका थोड़ा बहुत वो बना दे रहे हैं भरता जैसे, और बाकी चावल बना रहे हैं, तो यही खा लेंगे, जल्दी से सोएंगे दोस्तों, बहुत ज्यादा थके हैं। लाइट का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी जा सकता है, तो कैसे तैसे नींद पूरा कर लेंगे, इसी में भलाई है ना। काजल पहले चावल बना रही है और उधर चाय बन चुका है, तो कब देगी चाय पीने के लिए पता नहीं। अभी नहीं क्या खोल लेना चाहिए, बंद हो जा रहा है गैस बार बार कम कर। आ ये थी या और थोड़ा ये नहीं हटा के बनाओ, उसमें बालू ना गिरी। कप ऑफ है गिलास लास गिलास है ना, ठीक है दोस्तों। चावल बैठा दिए काजल और चाय बन गया। चाय ये रहा हमारा इधर, ये काजल और मानसिक है ना, ये मानसिक है। प्लास्टिक में नहीं देते उसको। तो चलिए अभी फटाफट से चाय पी लेते हैं और तब तक चावल बन रहा है हमारा। और आप सब भी पी लीजिए, इलायची वाला चाय था और अदरक हम डाले। और फर्स्ट टाइम है दोस्तों इस घर में हम लोग चाय पी रहे हैं और घर का हालात कुछ इस तरह से देख सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छा है सर, लेकिन कुछ भी है, लेकिन जैसे हम लोग भटक रहे थे उस हिसाब से कैसे कैसे इसी घर ने शरण दिया। और जो होगा वो सो कल होगा, देखेंगे या ढूंढेंगे कोई सस्ता वाला रूम। हमारा चावल जो है बस बनने ही वाला है ना, थोड़ा देर और। चलिए बैगन का जो वो भरता होता है ना, काट काट के जो बनाते हैं वैसे बना ले रहे हैं जल्दी से। जी जो देख रहे हैं कार्टून और खूब खुश है। तो अभी देख सकते हैं हम बैंगन का वो सब्जी बना रहे हैं, भरता और नमक अभी उसमें मसाला हल्का सा ऐड करेंगे। हाँ तो अभी दोस्तों लगभग लगभग बन ही आया है, थोड़ा देर और पकाएंगे उसके बाद से बन जाएगा है ना, फिर खा पी के सोएंगे है ना जल्दी से, क्योंकि अब खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा है एकदम से, पूरा थक गए हैं। ऐसे कैसे करके जल्दी जल्दी से दोनों लोग मिलते, क्योंकि घर भी सफाई किए थे, बर्तन भी सारा ऐसे था ना, इसलिए लेट हो गया। अभी 10 बज रहा है रात का, बट यहाँ पे उतना रात का मतलब वो नहीं पता चलता है, क्योंकि अभी भी सब कुछ चालू रहता है। गाँव में थोड़ा सा हो जाता है कि 7 बजे ही सभी लोग सो जाते हैं ना, है ना, इस वजह से। चलिए बना लेते हैं फटाफट से।